अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमने चैनल स्टार्ट किया है, मैं पहले ऑलरेडी एक प्रीमियम कम्युनिटी रन कर रहा हूँ, बट बहुत सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट की कि सर हमें कोई लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई चीज़ बताया करें, कि लेट फर्ज करें कि हम लोग सिग्नल तो फॉलो करते ही आपके साथ साथ हम लर्निंग भी करते रहें। तो मैंने फिर सोचा कि क्यों ना हम यूट्यूब चैनल बना लें और यूट्यूब चैनल के थ्रू हम लोग सब दोस्तों को, सब अहबाब को, जो लोग सीखना चाहते हैं वो साथ साथ सीखते भी रहेंगे और हम लोग यहाँ से लेवल्स भी मार्क कर दिया करेंगे। तो आज से इंशाल्लाह ये यूट्यूब चैनल जो है ना डेली बेस के ऊपर गोल्ड की फॉरकास्ट देगा आप लोगों को, डेली एनालिसिस, वीकली एनालिसिस, ये सारे के सारे एनालिसिस आप लोगों को इंशाल्लाह मिला करेंगे। तो आज क्योंकि वीकेंड की क्लोजिंग हो चुकी हुई है, तो हम वीकेंड की एनालाइज करते हैं। वीकली बेस को जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो हमें डेली टाइम फ्रेम के ऊपर गोल्ड को डिस्कस करना पड़ता है। तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें, मैं बार बार बाय करवाता रहा 2300 के लेवल से, 2300 से लेकर 2305 से, इस एरिया के अंदर से मैं बाय करवाता रहा। तो वो भी साथ को आप लोगों के साथ में वो भी रीज़न बता देता हूँ। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये देखें, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है और इसी एरिया से मैं बाय करवाता था 307 से लेकर 23 के लेवल से और 2297 के लेवल तक, ये मैं बाइंग एरिया करवाता था। और इवन के हमने 92 से बाई किया था, 92 से बाई किया था और हमारा टीपी था 2300 का, और उसके बाद मार्केट ने बहुत अच्छा मूव दी थी। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये देखें, इसी एरिया से मार्केट जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक को टच करने आई, ये देन इसने ऊपर को मूव दिया, फिर इसी एरिया से सपोर्ट ली, फिर ऊपर गई, फिर इसी एरिया से सपोर्ट लेती है और अभी इसी लेवल के पास आई खड़ी है। यहाँ पर आप लोगों को एक और पैटर्न नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर देखें तो हमारे पास एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है। यहाँ से देखें, ये इसका लेफ्ट शोल्डर, ये इसका हेड और ये इसका राइट शोल्डर, और फिर उसी राइट शोल्डर को इसने रेजिस्टेंस के तौर पर लिया है और उसको क्रॉस नहीं किया। तो यहाँ से मार्केट का मैक्सिमम चांस है कि यहाँ से मार्केट इस सपोर्ट जो बनाई खड़ी है, सपोर्ट को अगर तोड़ती है तो यहाँ से ये इसको रीटेस्ट करेगी और मजीद नीचे आ सकती है, ये इसका लेवल नेक्स्ट हो सकता है, ठीक है जी। और इसको अगर इसको भी ब्रेक करती है तो मजीद नीचे जा सकती है। अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर मजीद कन्फर्मेशन की, क्योंकि मैं तो जब ले रहा होता हूँ ये ट्रेड तो मैं कोई एक कंफर्मेशन से नहीं लेता, बल्कि मेरे पास ज़्यादा कंफर्मेशन होती हैं। अब मैं उस आपको एक और कंफर्मेशन भी यहाँ पर दे देता हूँ। ये देखें, ये डेली टाइम फ्रेम है और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है, ये देखें, इंगल्फिंग, ठीक है जी। रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल को इंगल्फ कर लिया और इस वक्त ये आई भी कहाँ पर खड़ी है, सपोर्ट पर आई खड़ी, जो प्रीवियस इसकी सपोर्ट है, ठीक है जी। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ से अगर इस सपोर्ट को तोड़ देती है, ये जो इसने प्रीवियस सपोर्ट बनाई है, तो फिर इसके रीटेस्ट के ऊपर हम सेल ले सकते हैं। अगर इसी सपोर्ट के ऊपर इसने दोबारा से हमें कोई साइन शो करवा दिया बाय का, तो हम यहाँ से बाय अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस का मस्ट यूज़ करना है, जो लोग स्टॉप लॉस का यूज़ नहीं करते मेरे यूट्यूब चैनल को अनसब्सक्राइब करें, मेरे यूट्यूब चैनल पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग कोई और चैनल ढूंढें, कोई और कम्युनिटी ढूंढें, स्टॉप लॉस के बगैर वाले मेरे साथ काम ना करें, उनकी बहुत मेहरबानी होगी, ठीक है जी। ये तो अगर हम देखें तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी आपको बता दिया, एंगलफिंग भी बता दी, ये दो साइन है यहाँ से कि ये मजीद सेल मार्केट जा सकती है। अब हम इसको 4 आवर टाइम फ्रेम पर देखते हैं, 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर इसकी मजीद कोई कन्फर्मेशन लेते हैं कि ये हमें क्या पैटर्न बता रही है। 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर अगर मैं ये प्रीवियस डेली वाले सपोर्ट को डेल कर दूं, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये एक बाय लेवल मैंने ऑलरेडी बता दिया था, कल हमने बाय भी किया था यहां से, ये जरा चेक कीजिएगा, ये हमने ट्रेंड लाइन मार्क की है, ठीक है जी। और ये ट्रेंड लाइन से मैंने कल बाय करवाया था, जब ये था 22/16/17 पर था, मैंने खुद भी बाय किया था और बाय कॉल भी दी थी, क्योंकि ये 4 आवर की टाइम 4 आवर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है, कोई ये 1 मिनट या 5 मिनट वाली ट्रेंड लाइन नहीं है, ये 4 आवर टाइम फ्रेम की है। तो यहाँ से देखें तो यहाँ पर भी ये ट्रेंड लाइन के ऊपर आया हुआ है, यहाँ से रिवर्सल इसका अब मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि ये रिवर्सल, हाँ एक चीज़ पड़ी हुई है यहाँ से, मुझे लगता है कि हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाए, ये एक ये जो एरिया है ना, ये इसकी इस वक्त रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा, ये वाला एरिया, ठीक है जी, ये वाला एरिया, ठीक है। और यहाँ आउटर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ तक मे बी ये जाए। अब यहाँ पर एक और भी रीज़न है, यहाँ पर देखें तो जिन लोगों ने लर्निंग की हुई है, FVG का कंसेप्ट है, तो ये FVG भी यहाँ पर पड़ी है, बहुत बड़ी FVG पड़ी हुई है, ये FVG का भी एरिया है,
ठीक है, ये यहाँ तक एफ वी जी का एरिया है, तो इस वजह से इस एफ वी जी का एरिया को कवर करने के लिए ये जा सकती है और ये इसका रेजिस्टेंस बना। अगर यहाँ पर आपको मिलता है तो यहाँ से आपने स्टॉप लॉस के साथ सेलिंग लेनी है, अटेम्प्ट करनी है सेलिंग की। अच्छा, यहाँ पर एक और भी सिनेरियो है, वो भी बता दूँ कि मे बी ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से मार्केट अगर इसी जगह से ये ऊपर नहीं जाती, यहाँ से गिर जाती है और इस ट्रेंड लाइन के रीटेस्ट पर आपने सेल पकड़ लेनी है, ठीक है जी। और नेक्स्ट लेवल कौन सा होगा वो मैं आपको मार्क करके बता देता हूँ। वो नेक्स्ट लेवल इसका होगा इस ट्रेंड लाइन और ये वाला ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है जी। ये इसका एरिया हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है जी। ये एरिया इसका हो सकता है, ठीक है जी। ये एक ट्रेंड लाइन का भी बन रहा है, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर दूं, ये एरिया है, यहाँ से हम बाय करने की कोशिश करेंगे और ये इसका लेवल है। अगर आपको ये सेलिंग लेवल कहाँ से मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जब इस लेवल को ब्रेक करे, मीन 2315 वाला एरिया ये ब्रेक करे, ठीक है, 2315, 2616 ये 14 वाला एरिया ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद उसको दोबारा रीटेस्ट करे, तो रीटेस्ट के ऊपर सेल हम पकड़ सकते हैं और वो सेल हमारी कहाँ तक आ सकती है। ये एक लेवल होगा 23 वाला, मीन 150-200 पिप आप यहाँ से पिक कर सकेंगे, 100 पिप तो कन्फर्म है। फिर हम यहाँ पर मजीद इस लेवल तक वेट करेंगे, यहाँ तक हमारे ये अराउंड बनेंगे 250 पिप, 250 पिप्स यहाँ पर हमारे बनेंगे, ठीक है जी। तो ये फिल वक्त 4 आवर टाइम फ्रेम की मैं बात करता हूँ अगर, और डेली टाइम फ्रेम का भी आपको बता दिया, तो इन दो टाइम फ्रेम्स के अंदर हम वीकली फॉरकास्ट कर रहे हैं। तो ये है लेवल्स, मैंने आपको लेवल्स भी बता दिए हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी बता दिए, कहाँ से मार्केट गिर सकती है, कहाँ से सपोर्ट ले सकती है। अगर आप लोग लर्निंग करना चाहते हैं, सीखना भी चाहते हैं, सिर्फ सिग्नल्स के ऊपर नहीं रहना चाहते, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह यहाँ पर आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलेंगी और डेली गोल्ड के ऊपर तो कम अज़ कम लाजमी फॉरकास्ट आपको मिला करेगी। और हो सकता है मैं ऑयल को भी कवर करने की कोशिश करूँगा, मैं कोशिश करूँगा, ये नहीं है, मेरा कोई प्रॉमिस नहीं है कि मैं ज़रूरी है कि ऑयल को भी करूँगा, लेकिन ऑयल को कवर करने की मैं कोशिश करूँगा। बाकी दुआओं में याद रखिएगा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।